So good morning everyone and welcome to my channel Countless Journeys or Countless Journeys में another episode, another journey होने वाली है. But before that मैंने जो आपको रास्ता दिखाया, ये रास्ते से हम कल आए थे. यहाँ से रेलवे स्टेशन कुछ 500-700 मीटर है और ये रास्ता जो है वो सिटी की तरफ जाता है. अभी सुबह के बजे है 10 और हम डिसाइड कर रहे थे क्या करना, क्योंकि 2 बजे हमारी ट्रेन है बैक टू पुणे की यहाँ से. और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा जो है वो रूम टॉप मैं आपको दे रहा हूँ, जो यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बेड का जो अरेंजमेंट है वो दिया हुआ है, वहाँ पे कंफर्ट दिया हुआ है एंड वॉशरूम भी है. और यहाँ पे अनदर टेबल, एसी रूम है और यहाँ पे टीवी भी दे गया हुआ है. और ये इसका जो कीमत है वो है कुछ अराउंड, ये आप देख सकते हो. यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है अच्छी खासी और इसका कुछ 900 रुपीज़ है ये पूरे होटल में रहने का. तो सस्ता मिल गया और एकदम नज़दीकी था तो हमने क्या कि तुरंत ही ले लिया. अभी देखते हैं क्या कुछ ड्रोन शॉट्स आते हैं कि नहीं आते, क्या कुछ कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गोवा के रास्तों पे, अनजान रास्तों पे कुछ पता नहीं है, बस हम ऐसे ही घूम रहे क्योंकि हमें करना है टाइम पास टिल 1:30, क्योंकि 2 बजे की तो हमारी ट्रेन है तो 1:30 को तो पहुंचना पड़ जाएगा रेलवे स्टेशन. बस तो ऐसे ही अभी घूम रहे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे, मचा रहे. तो अभी दोपहर के अभी 12 बजे है और हम अभी निकल चुके हैं टू द रेलवे स्टेशन. और कैमरे में मेरे को थोड़ा डस्ट दिख रहा है, तो अगर आपको थोड़ा परेशानी लगे वीडियो में तो सॉरी, बट अभी क्लीन कर देंगे. अभी हम जिस ट्रेन में हैं वो आपको पता चल ही गया होगा, हम हैं तेजस एक्सप्रेस में. और ये तेजस स्पेशल एक्सप्रेस चलती है फ्रॉम करमाली गोवा टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स. और ये मंडे और थर्सडे के अलावा बाकी के सभी दिन चलती है. और इसके अंदर टू टाइप ऑफ कोचेस है, पहला है एसी चेयर कार और दूसरा है एग्जीक्यूटिव चेयर कार. दोनों का नज़र आपको दिखाएंगे. एसी चेयर कार आप देख सकते हो अच्छी तरीके से. और अभी बहुत ज़बरदस्त बड़ी वाली दुर्घटना हो गई. तो दुर्घटना ये हुई कि हमारा जो ट्रेन है वो शुरू होने वाला था 2:40 को, यहाँ पे आप देख सकते हो 2:40 को, जो गलत है, जो इन्फॉर्मेशन गलत है जो ये रेल यात्री एप्लीकेशंस में दी गई है. तो डोंट ट्रस्ट ऑन एनी अदर एप्लीकेशन दैन द IRCTC, सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि अगर आपने ट्रस्ट कर दिया तो आप शायद ट्रेन जो है वो चुक सकते हैं. तो बस यही है, अभी फाइनली हम बैठ गए क्योंकि हम जल्दी आए, अगर जल्दी नहीं आते तो ये ट्रेन हम नहीं बोर्ड कर सकते थे. सो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ तेजस एक्सप्रेस के कुछ फीचर्स. तो ये है सबसे पहला फीचर जो हमें बाहर की ट्रेन में देखने मिलता है, वो है ऑटोमेटिक डोर लॉक. ये फीचर वैसे अच्छा भी है, वैसे अच्छा नहीं भी है, लेकिन अच्छा है फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, क्योंकि जो ये डोर है वो पूरा लॉक हो जाता है और उसके बाद आप स्टेशन पे ही खुलता है. तो दैट इज़ समथिंग यूनिक एंड अमेजिंग फीचर जो आपको देखने मिलेगा. दूसरा आपको मैं बताता हूँ, आप आओ मेरे साथ आओ, मैं आपको टूर देता हूँ पूरा. चार है वो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार. सो ये जो है
वो एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो नज़ारा है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो दोस्तों अभी बारी है आपको सीट के कुछ यूनिक फीचर दिखाने की जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार में मिलेंगे, एसी चेयर कार में नहीं। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे आप शोल्डर को जो है वो सपोर्ट आपको मिलेगा। फिर इस चीज़ यहाँ से ये जगह से आप रिक्लाइन भी कर पाओगे। तो मैं अभी इसको रिक्लाइन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से रिक्लाइन करके चेयर है वो आगे आ जाएगी, लिटरली लाइक लग्जरी कार। और यहाँ से मेरे को थाई सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरे को थाई सपोर्ट जो है वो ऊपर तक आ जाएगा। तो मेरे पैर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे। यहाँ पे टीवी दिया हुआ है, टीवी देखते देखते म्यूज़िक सुनते सुनते मैं आरामदायक जो सफ़र है वो मैं कर सकता हूँ। बाय द वे टीवी जो रेलवे स्टेशन है वो अभी अभी हमने क्रॉस किया है, और जो विंडो है विंडो का साइज़ भी जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो मेरे को व्यूज़ जो है उसकी कोई कमी रहने वाली नहीं है। और पूरी ट्रेन में कुछ 20-25 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 20-25 लोग पूरी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रॉफिट है या लॉस। तो आपने फ्लाइट में सफ़र किया है, आपने अगर फ्लाइट में सफ़र किया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो एक बटन होता है जिससे आप जो एग्जीक्यूटिव है उसको बुला सकते हो। मैं बटन दबाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो। लाओ मैं थोड़ा नज़दीक चीज़ से आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है वो बटन है जिसको प्रेस करके आप जो वेटर है यहाँ पे इनको बुला सकते हो। और यहाँ पे रीडिंग लाइट्स जो है वो भी आपको देखे रखी है, जिसका यूज़ करके आपको अगर पढ़ाई वढ़ाई करना है नाइट में तो वो भी आप कर सकते हो। तो रीडिंग लाइट्स भी आपको मिलती है यहाँ पे, और पूरा सीसीटीवी लगाया है। चाय आ गई है, मस्त रहेगी, हम बना रहे हैं। तो हमारे पास एक है गिरनार टी मसाला चाय है, और दूसरी है बकरी की इलायची की टी। तो दोस्तों अभी हमारे पास जो खाना है वो आ चुका है, और प्रीमियम ट्रेन्स में आजकल आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जस्ट पैकेज फूड जो है वो आपको मिलता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था राजधानी में हमने जो खाया था वो भी पैकेज फूड ही था, हल्दीराम ही था। और आज भी हम खाने वाले हैं हल्दीराम। तो अभी इसको हम बनाएंगे और खाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू करें। तो अभी सच में बताना, तू अभी खाना खा रही है, लेकिन सच में बताना, अगर हम जो ट्रेन है वो अगर हम चूक गए होते तो क्या होता? अगर हम ट्रेन मिस कर गए तो हमें सोच रही हूँ वही क्या कर सकते थे, कुछ नहीं, रुकना पड़ता या तो फिर एक्सटेंड करना पड़ता। बट अभी टेंशन हो जाता कि अब करें तो क्या करें। एग्जैक्ट टाइम पे आए, मतलब एग्जैक्ट 12:05 हम स्टेशन पे एंटर हुए, और सब बोल रहे थे चालू हो जाए चालू हो जाए, और हम बोल रहे थे मान नहीं रहे थे, हम मान नहीं, इसमें तो 2:40 है। बट जैसे ही ट्रेन चालू हुई, नीशू एक तरफ में एक तरफ, करें तो क्या करें। फिर हमें तो हमने बोला चलो चल देते। तो सच में ट्रेन आज लेट थी, वरना 12:00 एग्जिट चली जाती है। और आज हमारा नसीब अच्छा था कि वो लेट थी और 12:10 को चली।
इस रूट में हम कोंकण रूट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हो आप। पहले वाला वीडियो जो है मुंबई टू गोवा वाला वो देख सकते हैं। ये जो वीडियो है वो मैंने स्पेशल आपको तेजस एक्सप्रेस के फीचर्स और तेजस एक्सप्रेस को दिखाने के लिए बनाया गया है। चाहे आप जा रहे हो मुंबई टू गोवा या चाहे आप जा रहे हो मुंबई टू अहमदाबाद और या तो आप जा रहे हो चेन्नई टू मदुराई या तो आप जा रहे हो दिल्ली टू लखनऊ, आप इस तेजस एक्सप्रेस को बुक कर सकते हो और यहाँ पे आपको ऑल द काइंड ऑफ यू नो प्रीमियम फीचर्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो तेजस एक्सप्रेस है उसको दो अलग अलग जगह पर, कुछ तेजस को कोई अलग जगह पर बनाया गया है, जैसे कि कुछ तेजस जो है जिसको रेल कोच फैक्ट्री कपूरतला में बनाया गया है जो चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कुछ जो तेजस एक्सप्रेस है उसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब कि चेन्नई में बनाया गया है। इस तेजस एक्सप्रेस में आपको 14 नॉन एग्जीक्यूटिव जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वह 3x2 के कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, जहाँ पे एक कोच में टोटल 72 लोग बैठ सकते हैं, और 2 एग्जीक्यूटिव कोच है जिसके अंदर 2x2 का कॉम्बिनेशन रहेगा और उसके अंदर 56 लोग बैठ सकते हैं। तो ये जो रिवर है वो है वशिष्ठ रिवर, और ये जो चिपलून है वो वशिष्ठ रिवर के बैंक पे बना हुआ विलेज है। आप देख सकते हो ये वशिष्ठ रिवर है। तो अभी गर्मा गर्म मैगी जो है वो आ चुकी है, ये तैयार रेडी टू ईट मैगी है, और मौसम का जो मज़ा है वो लेते लेते हम इस मैगी का जो आनंद है वो लेंगे। लेकिन इन बिटवीन मैं आपको एक सर्विस जो कोंकण रेलवे प्रोवाइड करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो सर्विस है वो है रोल ऑन रोल ऑफ। तो इस सर्विस के अंदर कोंकण सर्विस क्या करता है कि आप कोलाड से मतलब जो नवी मुंबई के नज़दीक है वहाँ से आप ट्रक को लोड कर दो ट्रेन के ऊपर, और फिर वो ट्रेन आपको यू नो हेल्प करेगी ये कोंकण रूट जो पूरा है उसको कवर करने में। सो ये जो ट्रेन की जो सर्विस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बिना कोई एक्सीडेंट की परवाह करे या कोई भी इशू के बिना फास्ट जितना ट्रक की स्पीड होती है उतनी स्पीड पे आप जल्दी से जल्दी अनदर लोकेशंस पे पहुंच सकते हो।
यही तेजस एक्सप्रेस पे हम आए थे और अभी हम पहुंच चुके हमारे पनवेल, साथ में आने वाली है। हाँ तो अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं क्योंकि अभी हमने फैसला किया कि हम बस से जाते हैं थोड़ा एडवेंचर करके।